हाँ तो ये वाले है ना, ये जो ये कौन से, ये जो रात रानी, फूल इसको रात रानी कहते रात हैं, रानी, क्या होता है इसकी हिस्ट्री? पारिजात का फूल है। पारिजात का फूल इसको ये बोलते हैं, इसका पेड़ ये है ना, ये वाला सीता माता को भी पसंद होते हैं, रात को खिलते हैं और दिन में मुरझा जाते हैं, रात को खिलते हैं और इसलिए रात मुरझा रानी जा बोलते जाते हैं। हैं, हाँ, इसे रात रानी बोलते और हैं। माता सीता को पसंद है ये। अच्छा ये वाला सीता माता फूल, रात रानी है। ये वाला गाइस। और क्या समुद्र मंथन क्या हुआ? समुद्र मंथन जो हुआ था ना, हाँ तो ये पारिजात का पेड़ निकला था जब जब ऐसा देवताओं ने, इट इज बिलीव्ड गाइज के जब समुन्द्र मंथन हुआ था तभी ये पेड़ का जन्म हुआ था। है तो देवताओं ने स्वर्ग में इसको ले लिया था, देवताओं ने, तो हम भी ये अभी पेड़ लेंगे तो और हमारे ये पृथ्वी को भगवान ने समर्पित कर दिया कि तू पृथ्वी पे चला गया, तो ये पेड़ जिसके घर पे ये होता है कौन सी ना। कहानी है? मतलब देवताओं ने ले लिया था और फिर है ना उन्होंने भगवान ने पृथ्वी को दे दिया। ये कौन सा पेड़ है और ये कौन सा फूल ये तो है? मेरे घर पे भी है, इसको बोलते हैं और सीताराम पेड़। ये सीताराम पेड़ है, यहाँ सब राम जी और सीता का ही वो पेड़ लगाए हुए हैं, इसको सीताराम पेड़ क्यों बोलते हैं? वाह इसकी इसकी जो फ्लावर है वो कितने क्यूट है यार, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर से इसके। ये नहीं पता पक्का? गाइस आई डोंट नो ये कौन सा फूल है, आपको पता हो तो आप मुझे बता देना। कितने सारे अलग अलग यहाँ पे वो हैं यार। ये देखो वाह, कोई बात नहीं,